और इसके अगले डिस्क पैड भी ख़त्म है, अगले डिस्क पैक हैं 230 रुपए के। ब्रेक शू पैड रहेगा 320 रुपए का। ये देखो नहीं हो गया ना बिल्कुल। सर्विस है, थर्ड सर्विस। सर्विस कराते हैं, देखते हैं क्या-क्या चेंजेस होते हैं। 2000 years later. So guys, finally पहुंच चुका हूं मैं और ये थर्ड सर्विस। So थर्ड सर्विस में क्या चेंजेस होगा तो देखते हैं, क्योंकि चलाने में थोड़ा ना फर्क सा आ गया था। ब्रेक्स को मैं दबाता हूं जब तो चूं चूं आवाजें करता है, ये ठीक कराना है और इसकी रीलें लाइट आएगी, यही सब है। बाकी देखते हैं इसका एस्टीमेट कितना बनता है। इन्होंने कहा कि 1300-1350 लगेगा थर्ड सर्विस का, और बाकी इसमें बफिंग कराना है, जो क्रोम पॉलिश होती है वो 350 रुपये ले रहे हैं। टोटल एस्टीमेट 1650 तक बन जाएगा। ठीक है, वेट करना पड़ेगा भाई 4 घंटे। सो गाइस अभी आगे वेटिंग रूम में, सो थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ, फिर बाहर घूम के आऊँगा। 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। 1 hour later. सो गाइस लंच ओवर हो गया और बाइक आ चुकी है सर्विस के लिए। तो गाइस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखो 10,000 चलने पे थर्ड सर्विस। सो ये तो दिखाया है इसमें कि ये चेंजेस होगा, बाकी और कुछ प्रॉब्लम होगी तो बदलने से पहले बता देंगे। सो गाइस अभी तो यहाँ पे टाइम लगेगा, सो चलते हैं यार, कुछ लंच वगैरह कर लेते हैं। आई बज गए, भूख भी लग रही है। 2 hours later. और इसके ब्रेक शू भी बदल रहे हैं। तो गाइस ब्रेक शू पैड रहेगा 320 रुपये का, और इसके अगले डिस्क पैड भी ख़त्म है, अगले डिस्क पैक हैं 230 रुपये के। सो गाइस सर्विस से तो बाहर आ गई है, वॉशिंग भी होगी है और बॉफिंग होना है, एक क्रोम पॉलिश होगी। सो ये जैसे न्यू आया था ना वैसा हो जाएगा बिल्कुल। और इसका भाई 350 रुपये लगा है क्रोम पॉलिश, इसे बॉफिंग बोलते हैं, जिसमें कि ये इंजन और इंडिकेटर और हैंडल। सो अब बफिंग होने जा रही है, सो देखता हूँ क्या, तो रहते पहले ऐसा हो जाएगा। तो गाइस बफिंग हो रही है, स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल नया हो जाएगा ये। पहले ऐसा हो गया पूरा नया। सो गाइस हो चुकी है शाम, बिल्कुल देखो शाम हो गई भाई, और ये है बिल। सो बस गाइस चलते हैं घर, करता हूँ ब्लॉग एंड, मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा पर।